अंशु शर्मा पत्रकार का संभल से पलायन, परिवार अब करेगा मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष आत्मदाह। अंशु शर्मा के बुजुर्ग माता पिता पत्नी दोनों बच्चे भाई भाभी और उनके बच्चे सहित सामूहिक आत्मदाह करेगा। 14 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री के समक्ष करना था आत्मदाह, पुलिस ने खुफिया जगह ले जाकर किया था नजरबंद। भाजपा संभल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, खनन माफिया शराब माफिया का आतंक बरकरार। राजेश सिंघल का गुड़गांव जफर पुलिस पकड़ में, खनन माफियाओं के सिंडिकेट के सरदार पर हाथ डालने की नहीं किसी में हिम्मत। अंशु शर्मा पत्रकार द्वारा खनन की खबर प्रकाशित करने पर बौखलाया राजेश सिंघल। राजेश सिंघल खनन माफिया ने अपने छोटे भाई कपिल सिंघल के साथ अंशु शर्मा पत्रकार को बीच सड़क पर मारा पीटा। थाना कोतवाली संभल में प्रभारी निरीक्षक ओंकार सिंह के सामने चप्पलों से पीटा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ओंकार सिंह ने अंशु शर्मा पत्रकार की पत्नी की तहरीर को थाने में ही फाड़ कर फेंका। तारांकन, कोतवाली संभल प्रभारी निरीक्षक ओंकार सिंह ने घटना की सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर गायब करने के लिए एसपी चक्रेश मिश्रा से की सिफारिश। तारांकन, घटना के वीडियो आए सामने। बोतल की बोतल बंद कर दे। गाड़ी की चाबी उधर जा। ए क्या बात है, गाड़ी चलाने दे।